तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि पानी पूरी बेलने के लिए कौन सी मशीन का यूज़ करते हैं। एक तो होती है रोटी मेकर, जिसको अपन पानी पूरी भी बेल सकते हैं। एक होती है बड़ी वाली मशीन, जो कि गुजरात अहमदाबाद में मिलती है, जो काफ़ी कॉस्टली होती है। बट वो ना मशीन काफ़ी लोगों के पास है, बट बोलते हैं सक्सेसफुल नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो रोटी मेकर होती है छोटी वाली, जो आप इधर फोटो देख रहे होंगे, वो कितने की मिलती है, कहाँ मिलती है, लेकिन उसको बेलने का तरीका भी बताऊंगा, पूरा प्रोसेसिंग बताऊंगा। और मैंने पोस्ट किया था तो आप लोगों ने बोला कि पानीपुरी की जो रोटी मेकर मशीन होती है उसकी फुल वीडियो चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मार्केट, तो वहाँ जाके पता चलेगा कि आपको ये मशीन कौन सी दुकान में मिलेगी और कितने की अराउंड मिल सकती है। तो ये रही दोस्तों 3 नंबर की मशीन, और ये ना लगभग हर हार्डवेयर दुकान में आपको पूरी मशीन रोटी मेकर के नाम से मिल जाएगी। और भैया इसका रेट 350 रुपये बता रहे हैं, बट नियरली 300 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। और इसके साथ एक हैंडल मिल जाएगा जो डब्बे में रखा हुआ है। और मेरे पास जो मशीन है मैं उसकी प्रोसेसिंग आपको दिखाता हूँ। तो एक तरफ पानी बांध चुके हैं और आपको मैं दिखाऊँ, देखिए ये कुछ इस तरह से दिखती है। और नीचे जो लेयर डाले थे अपन, वो लेयर इसलिए डाले थे, और आप चाहे ना तो जैसे हम लोग सिंगल सिंगल बेलेंगे, आप अगर डबल बेलना चाहते हैं तो इतना बड़ा पूरा इसका लेयर काट लीजिएगा जो इसके फिट में हो। और ये 3 नंबर मशीन है, ये शायद 350 से 400 रुपये की आती है। और 2 नंबर मशीन भी काफ़ी अच्छी होती है, तो ऊपर भी सेम प्रोसेसिंग किया जाएगा ऐसे ही। इसको बराबर काट लेते हैं पहले। लगा दी लेयर, सेम प्रोसेसिंग ऐसे करके उसको फिर से बांध दिए। ये देखिए, लो भाई। और ये ऊपर ऊपर का जो कट रहता है एक्स्ट्रा, उसको काट देंगे। ये तो ये अपनी ये पन्नी बनके अब रेडी है, आप लोग देख सकते हो। और आप लोग चाहो ना तो 4 लेयर वाली जो होती है, 4 कोनों वाली, वो भी ऐसे 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 करके बांध सकते हो। तो बहुत सारे लोग अलग अलग डिफरेंट तरीके से बांधते हैं, बट भाई जैसे हम लोग बांधते थे वैसे मैंने आपको बता दी। अब इसमें पानी पूरी आती भाई ले ही में ना, तो तेल तो लगा ही रहेगा, वो सब आपको मैं आगे बताऊँगा। तो अभी दोस्तों मॉर्निंग हो चुकी है और आप देख सकते हो कि ये लेई ले ली है मैंने, और लेई की साइज़ आप लोग देख सकते हो। अब आते हैं इसमें बारी, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे अपन मशीन दबाते हैं ना ऐसे करके, तो कभी इधर मोटा इधर पतला हो जाता है। इसमें देखो ये इतनी अच्छी तरीके से बांधा गया है कि इसमें शायद ही हो। तो मैं इसको ऐसे करके दबा देता हूँ, और ये ऐसे करके दबा दिए, ये थोड़ी बड़ी, ओ भाई साहब ये देखिए, मतलब किसी तरफ भी मोटी पतली आप लोग देख सकते हो कि किसी तरफ भी नहीं हुई है, सब तरफ एक जैसी आई है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो बेलन से भी पानी पूरी बेल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे बेलन से ही बेल रहे हैं। और बेलन की क्वालिटी मैं आपको दिखाऊं तो ये रही बेलन की, ये बेलन से बेली हुई है। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं बेलन से ऐसे बेलते हैं, 1 2, ये 2 करके लगा दिए और ये काम चालू हो गया। ये बेलन से बेले हैं, और ये मैं मशीन से बेल के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये ले ही है ना, मैं आपको 2 पीस रख के दिखाता हूँ, आप ऐसे करके रखे, लेकिन मेरे ख्याल से ना इधर कट जाएगा, लेकिन फिर भी अपन ट्राई कर लेते हैं एक बार ऐसे करके दबाए। ये बड़ी मशीन है जो मैंने आपको शॉप में दिखाई थी, वो छोटी मशीन थी। ये देखिए इसमें भी ना किसी तरह मोटी पतली नहीं हुई है, मतलब 2-2 पीस, मतलब वही है मशीन में। अगर मशीन अच्छी है और अच्छी तरह से बांधोगे ना तो उसमें पानी पूरी 1 नंबर आती है, देख सकते हो इधर पतली मोटी नहीं है, तो आपको जल्दी हो जाएगी। जैसे कि मैं ऐसे दबा के अभी जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ, देख रहे हैं ऐसे करके दबाए और ऐसे करके निकाल दिए। ये देखिए देख सकते हैं, और ज़्यादा पतली करनी है, और थोड़ा सा ना जैसे क्या होता है कि आटा हल्का सा गीला होना चाहिए मशीन के लिए, क्योंकि बेलन में तो ऐसे करके बढ़ा देते हैं, बट इसमें ना सिर्फ दबाना पड़ेगा आपको। अरे वाह, पानी पूरी 1 नंबर आ रही है भाई। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।